जैसा कि अभी थोड़े दिन में ही मतलब जो है सीजन शुरू होने वाला है, सीजन की शुरुआत है, कैसा अभी क्राउड है या फिर कितना बजट कोई सीजन में जैसे महंगा हो जाता है वैसा अभी हुआ है, या अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप कैसे कम खर्चे में अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फर्स्ट डे जो हमारा है वो कंडोली बीच में, हम आज देखेंगे कंडोली बीच के आसपास के जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करेंगे और क्या आप खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या स्पोर्ट्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, या कौन सी आसपास की नियर बाई लोकेशन है जहाँ पे आप जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे। इस वक्त हम कंट्रोलिंग के पास जो मार्केट है वहाँ पे हैं, आपको मार्केट का दर्शन कराते हैं। इस मार्केट से आप सामान खरीद सकते हैं, जैसे लोवर वगैरह है, टी शर्ट वगैरह है, या फिर सन ग्लासेस वगैरह आप इस मार्केट से खरीद सकते हैं। आपको मार्केट दिखा देते हैं कैसी है। पहले दिन के सफ़र की शुरुआत हमने कंडोलिम बीच की मार्केट से की, जहां पर हमने मार्केट को तो एक्सप्लोर किया ही, साथ में कुछ सामान भी खरीदा। इस मार्केट से हमें सनग्लासेस और टी शर्ट काफ़ी अच्छे दाम पर मिले। मार्केट के पास ही कई कैफे आपको मिलेंगे जहां आप गुड म्यूजिक के साथ मज़ा ले सकते हैं खाने का। मार्केट घूमते घूमते हमें भी भूख लगी, हम एक रेस्टोरेंट पहुंचे जहां हमने नॉर्थ इंडियन डिशेस को टेस्ट किया। जिसके बाद हम कंडोलिम बीच की ओर निकल पड़े। कंडोली बीच में आते हैं तो यहाँ पार्किंग है, यहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके फिर आप बीच का एंजॉय कर सकते हैं। कंडोलिम बीच के सामने ही पार्किंग है जहाँ पे आप अपना वाहन बड़े आराम से पार्क कर सकते हैं। तो ये कंडोलिम बीच की एंट्री है, चलिए हम आपको। इसके बाद हम अंदर बीच की ओर चल पड़े। बीच पर मार्केट के साथ ही स्ट्रीट फूड भी अवेलेबल है, तो खाने पीने की चिंता आप छोड़ दीजिए। आप कंडोली बीच जाते हैं तो यहाँ साथ में खाना वगैरह भी आपको साथ में मिल जाएगा। अब आपको बीच का नज़ारा दिखाते हैं। वाटर स्पोर्ट वगैरह आप कर सकते हैं। अंदर बीच पे एंटर हुए तो बीच का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। एंटर करते ही थोड़ा क्राउड हमें कम देखने को मिला, पर मज़े में कोई कमी नहीं दिखाई दी। कंडोली बीच पर शेड्स अभी ओपन नहीं है, पर बीच बेड है वो अवेलेबल है, जहाँ पे आप लेट के समुंदर को एंजॉय कर सकते हैं। कंडोलिम बीच पर आप पैरासेलिंग कर सकते हैं, 1500 रुपये इसका प्राइस स्टार्ट है। इसके बाद आप जर्सी का भी मज़ा ले सकते हैं, 500 रुपये में आपको जर्सी की सवारी मिल जाएगी। कंडोलिम बीच पर बनाना राइड भी है जो लोगों को बेहद पसंद आती है, 5 लोग 1500 रुपये में इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर आप कंडोली बीच पे पूरा पैकेज लेते हैं तो आपको 4800 तक पड़ जाएगा। बागा बीच से इसका प्राइस थोड़ा हाइयर है।
अपने वाटर स्पोर्ट अगले दिन बागा बीच पर किए। वहां पर प्राइस कंडोलिन बीच के मुकाबले कम थे। क्राउड की बात करी जाए तो कंडोली बीच भी अभी क्राउड थोड़ा कम है। जैसे अभी सीजन की शुरुआत हुई है, अभी जैसे सीजन बढ़ेगा तो साथ साथ क्राउड भी बढ़ेगा। अगर कम क्राउड और शांति के साथ अगर बीच एंजॉय करना चाहते हैं तो कंडोली बीच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बीच पर थोड़ा एंजॉय करने के बाद फिर हम बीच के पास जो स्ट्रीट फूड है वहां पर कुछ खाने पीने के लिए पहुंचे। कंडोली बीच के थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहां पे खाने पीने का अच्छा है, यहां पे कैफे भी है, उसके अलावा स्ट्रीट फूड भी अवेलेबल है, यहां पे मैगी वगैरह खा सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा है यहां पे, आप आइए, रेट भी रिजनेबल है यहां पे। और बिल्कुल पैदल भी बाहर ही आएंगे तो बाहर आते ही आप पार्किंग की साइड में खाने पीने का मिल जाएगा। तो आप देखिए पार्किंग कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम पड़ रही है काफी भीड़ हो रही है, खाने पीने के बाद हम फिर शाम को सनसेट का नज़ारा देखने के लिए बीच पर पहुंचे। शाम का नज़ारा बेहद खास देखने को मिला क्योंकि सुबह के मुकाबले जो शाम को क्राउड था वो बहुत ही अच्छा था। लोग काफ़ी गिनती में सनसेट देखने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद हमने भी अपनी जगह देखी और समुंदर का एंजॉय करने के लिए उस जगह पे बैठकर सनसेट एंजॉय किया। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था समुंदर की लहरें और भी खूबसूरत दिखने लगी। जब तक सूरज डूबा नहीं हम बैठ के सूरज को देखते रहे। जैसे ही रात हुई हम मार्केट के लिए निकल पड़े। सुबह से एंजॉय करते करते हम थक चुके थे तो कुछ दूर चलते ही हमें स्ट्रीट फूड दिखाई दिया, जहां पर हम थोड़ी देर रुके और यहां पे कुछ टेस्ट किया। बीच के सामने ही बिल्कुल कैफे वगैरह हैं जहाँ पे आ सकते हैं, गुड म्यूजिक वगैरह सुनते हुए नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। आगे मार्केट भी है, मार्केट में आप सामान वगैरह भी खरीद सकते हो। तो आपको मार्केट दिखा देते हैं कैसी है। कंडोली बीच की जो मार्केट है वो ऑफ सीजन में रात को 2 से 2:30 बजे तक खुली रहती है। अगर आप ऑन सीजन में आती है तो ये मार्केट सुबह तक भी खुली आपको नजर आएगी। इस मार्केट से थोड़ा सा आगे जाते ही आपको कैफे नजर आएंगे जहां पे आप म्यूजिक के साथ नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आप दिल्ली से आ रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ तो दिल्ली से आते हैं तो बाय एयर आपका खर्चा जो है 6,500 तक आपको एयर टिकट पड़ जाती है। अगर आप पहले बुक कराते हैं तो शायद आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाए। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो बाय ट्रेन आपका जो नॉर्मल स्लीपर है वो 800 से शुरू होती है और एसी है वो 2,000 तक ही पड़ जाती है। और अगर आप ट्रेन से अगर गोवा आ रहे हैं तो 3 जो मेन स्टेशन है जो गोवा के आपको पड़ देंगे, एक टीलू स्टेशन पड़ेगा, दूसरा स्टेशन पड़ेगा करमाली और तीसरा स्टेशन जो है वो पड़ेगा मड़गांव। ज़्यादातर लोग जो मड़गांव रुकते हैं, अगर आप जैसे थीवी में रुकते हैं थीवी से जो बागा बीच और बाकी कंडोली बीच वगैरह है वो पास पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपके पास खर्चा है तो ठीक है, आप वहाँ से प्रीपेड टैक्सी ले सकते हैं स्टेशन पे। प्रीपेड टैक्सी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वहाँ से बसें चलती हैं, आप जैसे स्टेशन से बाहर निकलेंगे वहाँ से आपको बस मिल जाएगी।
बस आपको बस दो बसें एक बस चेंज करनी पड़ेगी, 30 रुपये उसका किराया, तो 60 रुपये में आप कंडोलिंग बीच या बागा बीच वगैरह वहाँ से बड़े आराम से पहुँच सकते हैं।